क्या कार्यक्रम आप होगा? देखिए, आज हम लोग सभी हिंदू युवा आम बगान मैदान में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिला कि शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ पे भी कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व धरना देने का कार्यक्रम करने वाले हैं, जबकि प्रशासन के द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं देने के बाद भी यहाँ पे टेंट लग जाता है, महिलाएं शहर के कोने कोने से यहाँ बुर्का में पहुँच जाती हैं और धरना का कार्यक्रम शुरू होने वाला रहता है। यदि हिंदू युवा यहाँ नहीं रहते तो यह धरना का कार्यक्रम शाहीन बाग पर यहाँ पे प्रारंभ हो चुका होता। मेरा प्रश्न ये है जिला प्रशासन से कि जब आपने अनुमति नहीं दी तो यहाँ पे टेंट कैसे लग गया? जब टेंट लग गया तो यहाँ पे संख्या महिलाओं का कैसे आना शुरू हुआ? जब महिलाओं का संख्या आ गया तो यहाँ पे महिला पुलिस फोर्स यहाँ पे क्यों नहीं थी? इसको क्या समझा जाए? इसको हम लोग यही समझते हैं कि प्रशासन का और सरकार का मौन समर्थन है। हेमंत सरकार ने इनको उकसाया है कि प्रशासन को आदेश दिया है कि भाई धरना होने दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से राष्ट्र विरोधी तत्वों को मैं चेतावनी देता हूं कि शहर के हिंदू युवा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीए के विरोध में यदि कोई कार्यक्रम होता है तो वहीं पे सीए के सम्मान में हम लोग भी कार्यक्रम करेंगे। कानून का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। ये यहाँ जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे वो संविधान के दायरे में करेंगे। और हमारी अभी यह मांग है कि यहाँ से टेंट को हटाया जाए और यहाँ पे 15 दिनों के लिए 144 धारा लगाया जाए। एसडीओ साहब क्या कर रहे हैं, उनका कुछ नीति और कुछ कार्य हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब धार्मिक कार्य विश्व हिंदू परिषद का होता है तो वहाँ 144 ये लगा देते हैं, जब हिंदू पीठ तोड़ने का बात आता है तो वहाँ 144 लगा देते हैं, लेकिन जब समाज का सौहार्द बिगाड़ने का कार्य जब राष्ट्र विरोधी तत्व कर रहे हैं तो वहाँ पे 144 आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है और हिंदू समाज का ये प्रश्न है।